हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हो रही है बहुत ज़बरदस्त बारिश। तो इस बारिश को देख के मुझे याद आया कि यार, वाइपर के कंट्रोल्स के बारे में वीडियो बना दी जाए कि टियागो के जो वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए हुए हैं कैसे काम करते हैं और आप उसको अच्छे से कैसे यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों में से काफ़ी लोगों को तो ये सारी चीज़ें पता ही होंगी, बेसिक है। बट अगर आपको नहीं पता है और इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज मिल जाएगी इसके वाइपर के टॉगल के बारे में कि कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए ये अपना है वाइपर का टॉगल। इसको ज़रा ध्यान से आप देखिए, इसमें हम चार चीज़ें देख रहे हैं। एक यहाँ पे कुछ साइन दिया हुआ है, दूसरे साइन हमारे यहाँ पे हैं, तीसरा साइन हमारा यहाँ पे है और चौथे साइन हमारे यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, जो ए वाला पार्ट है यहाँ पे लिखा है पुल, मतलब हमें इसको वाइपर को अपनी तरफ खींचना है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये फव्वारा मारेगा, मतलब हमारी गाड़ी के अंदर जो पानी होता है, जो हम वाइपर फ्लूड डालते हैं, वो फ्लूड बाहर निकलेगा, अपना जो ये फ्रंट वाला विंडशील्ड है उस पर आएगा और ये इसको वाइप कर देगा। तो इसको ऐसे करना होता है, ऐसे जैसे ऐसे करेंगे तो फव्वारा बाहर निकलेगा और आपका वाइपर उसको 3-4 बार क्लीन करेगा जब तक ये सूख नहीं जाता है। एक बार मैं करके आपको दिखाता हूँ, मैं इसको पुल करूँगा, आप विंडशील्ड देखिए कैसे काम करेगा। ये मैंने पुल किया, पुल करके छोड़ दिया, देखिए एक बार फव्वारा निकला। उसके बाद इसने इसको 3-4 बार वाइप किया, उसके बाद कुछ देर के बाद दोबारा से इसको वाइप करेगा ये। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि इस पुल का क्या मतलब होता है, इसके फीचर को आप समझ गए होंगे। अब दूसरा जो ये सेकेंड वाला यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बीच में आकर आपको दिख रहा है ए जीरो, इस एरो के सीध में जब ये जीरो आपका आएगा बिल्कुल इसके फ्रंट में, तो बेसिकली पीछे वाले वाइपर के सारे कंट्रोल्स हैं। तो जब इसके सीध में जीरो रहेगा तो आपका जो बैक वाइपर होता है, अगर आपने टॉप मॉडल लिया है, अगर आपने बैक वाइपर है तो उसमें यूज होगा ये। तो पीछे अगर यहाँ पे जीरो है तो आपके पीछे वाले वाइपर्स बंद रहेंगे, काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखिए जो ए वाला साइन है, इस पे लिखा है कि फव्वारा मारेगा और वाइप्स को वाइप करेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो पीछे जो है उस पर पानी निकलेगा पीछे वाली अपने ग्लास पे और अपना उसको वाइप कर देगा। मैं आपको एक बार इसको ऐसे करके दिखाता हूँ पीछे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने इसको किया, पीछे देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वाइपर का फ्लूइड निकला, इसको इसने वाइप कर दिया। सेम जैसे आगे किया था सेम वे में इसको पीछे की तरफ भी उसने 3-4 बार वाइप कर दिया। तो आपने इसका फंक्शन समझ लिया, इसका क्या होता है। अब इसके बाद जो ए वाला पॉइंट है, अगर आप इसको इस एरो के सीध में कर देंगे तो आपके पीछे वाला वाइपर स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से कोई वाइपर का फ्लूइड नहीं निकलेगा, कोई लिक्विड नहीं निकलेगा, लेकिन वाइपर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अभी मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है, आप इसको अगर यहाँ पे देखें तो अपना देखिए वाइपर काम कर रहा है। उसके बाद जो तीसरा वाला होता है ए भी वही काम करता है जो ए वाला करता है। अगर आप इसको इस यहाँ पे करेंगे तो वाइपर का जो फ्लूइड है बाहर निकलेगा और उसके बाद वाइपर भी तो चलता ही रहेगा साथ में। ये देखिए, देखा आपने, तो जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया वहाँ पे वाइपर का फ्लूइड पीछे आया और साथ में वाइपर आपका ऑन तो पहले ही सही था। तो आई थिंक ये वाला पूरा समझ गए होंगे। ये वाला जो है, अगर आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो पीछे वाले वाइपर का फ्लूइड निकलेगा, वाइपर चलेगा। बीच में अगर इसके सीध पे आप कर देंगे तो पीछे वाला वाइपर बंद हो जाएगा। अगर इसके सीध में करेंगे तो यहाँ से आपका वाइपर पीछे वाला स्टार्ट हो जाएगा, कोई फ्लूइड नहीं निकलेगा। अगर आप इसको ऐसे करके छोड़ देंगे तो एक बार फ्लूइड निकलेगा और आपका वाइपर ऑन रहेगा। तो अगर कुछ कांच आपका गंदा है तो साफ़ हो जाएगा। तो हो गया बैक वाइपर का पूरा सेटिंग। उसके बाद आते हैं, इससे पहले हम इसकी बात पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे कुछ 3-4 चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसे एरो बना हुआ है ऊपर नीचे। तो ये एक्चुअली आपका जो ये फ्रंट वाला वाइपर है, इसकी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सारे आपके नॉब्स दिए हुए हैं। तो इनको वन बाई वन समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन और यहाँ पर लिखा है ऑफ़। इसके ऊपर यहाँ पर 3 छोटे छोटे एरो, फिर एक यहाँ पर एरो बड़ा सा, इसके ऊपर एक और मोटा सा एरो है। तो यहाँ बीच में जो आपका इस है, अगर यहाँ पे ऐसे अभी आइडल स्टेटस में है तो यहाँ समझ लीजिए कि आपका ये बीच में ऑफ वाले स्टेटस पे है नॉबे। अब अगर इसको मैं नीचे एक बार करूँगा, यहाँ से ऐसे नीचे एक बार करूँगा तो अपना जो वाइपर है फ्रंट वाला एक बार चलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। इसको ऐसे नीचे किया,
अब देखिएगा, मैं नीचे किया, एक बार चला रुक गया, फिर से मैं नीचे किया, एक बार चला रुक गया। आप ऐसे देखिए, मैंने इसको नीचे किया रुक गया, फिर मैं नीचे किया, ठीक है। तो मतलब एक बार आप इसको नीचे करेंगे तो एक बार वाइपर आपको चलेगा और बंद हो जाएगा। उसके बाद जो आप दूसरा वाला ऑप्शन है, आप उसको देखिए, इसके ऊपर जो है यहाँ पे तीन लाइंस बनी हुई हैं, इसका मतलब है अगर इसको हम ऊपर कर देंगे हमारा वाइपर बहुत धीरे धीरे चलेगा। ये देखिए, अभी मैंने क्या किया, इसको कर दिया एक बार ऊपर, अब वाइपर देखिए एक बार चला रुक गया। अब थोड़ी देर तक आप वेट कीजिए, देखिए फिर से चलेगा। देखिए मेरा हाथ यहाँ पे है, ठीक है, धीरे धीरे चलता रहेगा। अगर आपको वाइपर की स्पीड बढ़ानी है तो इसको आप एक बार और ऊपर कर दीजिए। तो ये दूसरी वाली पतली वाली लाइन है, इसका मतलब यही है, अगर आप इसको एक बार और ऊपर कर देंगे तो आपके वाइपर की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपको वाइपर की स्पीड अगर इंक्रीज करनी है तो आपको उसको यहाँ पे कर देना होगा। तो अब फ्रेंड्स देखिए, आपके वाइपर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, एक बार मैं पूरा आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, क्लियरिटी आ जाएगी। अभी यहाँ पे बिल्कुल आपका ये सेंटर में है, बीच में मैंने नीचे किया, वाइपर आपका एक बार चला, फिर से अगर एक बार से नीचे करोगे तो एक बार चलेगा। अगर आपको इसको कंटिन्यूस चलाना है ऑटोमेटिकली तो एक बार आपको ऊपर कर देना है। अभी स्लोली स्लोली चलेगा आफ्टर सम इंटरवल, राइट। और फास्ट चलाना है, अगर और तेज़ बारिश हो रही है तो आप इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए इसकी स्पीड बढ़ गई, करेक्ट। अब इसको बहुत तेज़ अगर आपको चलाना है तो आप इसको इधर कर दीजिए। अब देखिए आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको यहाँ से पूरी क्लियरिटी आ गई होगी कि आपके इस वाले का जो ये वाला पॉइंट है इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली आपके फ्रंट वाइपर का है, यहाँ से आपकी इसकी स्पीड कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, किस सेटिंग पे। अब ये भी आपने समझ लिया, ये वाला पार्ट भी आपने समझ लिया, बैक वाइपर का है, पुल वाला भी समझ लिया। अभी वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको भी समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पे वाइपर सेटिंग करते हैं तो हमारा वाइपर बहुत धीरे धीरे चलता है। अब देखिए इसका टाइम इंटरवल एक बार आप देखिए, राइट, ये धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ से इसका टाइम इंटरवल हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर आप इस छोटे वाले लाइन के पास इसको रखेंगे तो इसका मतलब है बहुत कम टाइम इंटरवल में ये चलेगा। लेकिन अगर आपको इसका टाइम इंटरवल बढ़ाना है, मतलब बहुत धीरे धीरे बूंदें पड़ रही हैं, आपका इसका टाइम इंटरवल बढ़ाना है, तो आप इसको यहाँ से करके यहाँ कर सकते हैं, ये मैक्सिमम हो जाएगा इंटरवल, तो यहाँ पे बहुत देर के बाद आपका वाइपर चलेगा। अब देखिए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन वाइपर अभी नहीं चला, करेक्ट। देखिए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन वाइपर नहीं चला, अब जाके चला। तो वैसे ही है, अगर आपको टाइम इंटरवल बहुत कम रखना है तो आप यहाँ पे रखिए, थोड़ा सा बढ़ाना है तो यहाँ पे कर दीजिए, या फिर जहाँ भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपके फर्स्ट वाले सेटिंग पे ही काम करता है, ऊपर वाले पे काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर करने के बाद आप यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे अगर उसको बढ़ा घटा रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट सेटिंग है, जो वाइपर आपका धीरे धीरे चलता है, वहाँ पर आप टाइम इंटरवल यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, करेक्ट। तो आई होप आपको इसकी क्लियरिटी यहाँ से आ गई हो। इसके अलावा फ्रेंड्स एक फंक्शन इसमें और होता है कि अगर आपका आगे वाला वाइपर ऑन है, रिवर्स गियर इंगेज करेंगे तो अपने आप आपका ये पीछे वाला वाइपर भी चलने लगता है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, मैं आगे वाला वाइपर ऑन कर दिया, ये देखिए चल रहा है, अभी ये न्यूट्रल में है, इसको मैं एक बार रिवर्स लगाता हूँ। अब देखिए पीछे वाला वाइपर स्टार्ट हो गया, ये देखिए रिवर्स लगा हुआ है, स्टार्ट हो गया, इसको न्यूट्रल कर दूँगा तो बंद हो गया, राइट। अब जैसे मैं लगाऊंगा रिवर्स, ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारी क्लैरिटी आ गई होगी, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं इस वाले वाइपर वाले टॉगल में, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्द ही मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।